नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। कहते हैं कि शनि को एक साथ राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करने में 2.5 साल का समय लगता है। इसी साल 30 साल बाद शनि ने कुंभ राशि में गोचर किया है। और बता दें कि 17 जून यानी कि आज रात 10:56 से 6 महीने के लिए शनि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। बता दें कि 2023 4 नवंबर तक दोपहर 12:31 पर कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। शनि की उल्टी चाल का प्रभाव वृषभ राशि को से लेकर इन 4 राशियों पर खास तौर से देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इन राशि के जातकों के बारे में। वृष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि आपकी राशि के 10वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। इससे इस भाव के करियर राज्य तथा पिता से होता है। शनि के गोचर करने से पिता के स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को मिलेगा। पेट संबंधी समस्याएं सता सकती है। इसके साथ ही आपके जॉब और कार्यस्थल पर व्यस्तता बढ़ने की संभावना है। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। कर्क राशि। बता दें कि शनि आपकी राशि के 8वें स्थान में वक्री होने जा रहे हैं। इससे इस स्थान का संबंध हमारी आयु से है। शनि के गोचर करने से आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही पिछली किसी बात का डर आपको परेशान कर सकता है। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए काली उड़द की दाल का दान करें। इसके बाद सिंह राशि। बता दें कि आपके 7वें स्थान पर शनि वक्री होने जा रहे हैं। 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। शनि के वक्री करने से दाम्पत्य जीवन संबंध में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। ऐसे में आपके शांत रहकर ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, वरना बात बिगड़ सकती है, बढ़ सकती है। बिजनेस में कोई बड़ा फैसला लेते समय थोड़ा भी सोच समझ कर विचार कर लें। शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भवन की दहलीज की सफाई करें और पूजा करें। कन्या राशि। इस राशि के 6ठे भाव में शनि वक्री होने जा रहे हैं। बता दें कि व्यक्ति के 6ठे भाव का संबंध मित्र शत्रु तथा स्वास्थ्य से होता है। ऐसे में शनि का वक्री होना व्यक्ति के मित्र से अनबन करा सकता है। शत्रु पक्ष कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए नारियल या बादाम को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि अपने लग्न स्थान यानी कि पहले स्थान में वक्री होंगे। कुंडली में पहले स्थान का संबंध शरीर तथा मुख से होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बन सकती है। पढ़ाई के दौरान किसी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। घुटने और पैर में दर्द की समस्या पैदा हो सकती है। शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तवा, चिमटा या अंगीठी आदि का दान करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।